की लोड़ी मेरा कालू को मार रही है। अभी रुक जा, अपनी खाला को बुला के ले आ रहे हो, तेरी टांग पर टांग रख के पाड़ेगी। रुक जा, दो मिनट में आ रही हूँ। अरे खाला, ओ खाला कहाँ गई? अरे खाला, लैट्रिन में हूँ। अरे लैट्रिन में क्या कर रही है? कालू को मार लिया। अरे सुअर पेशाब भी ना कर दे, पता क्या हो गया? कालू को मार लिया। अरे मेरे आदमी को किसने मार लिया? टैंक पे टांग रख के फाड़ दूंगी भोसड़ी की। हाँ चल। अरे खाला पहले पूरी बात तो सुन ले। तब मोटे मोटे हैंगे उसके कालू के मुंह पे रखे पड़ी है, कालू को सांस नहीं आ रही है। तो मोटे तेरे चकोतरे चकोतरे। हट सुअर, तू इन्हें छोड़, जल्दी चल। हरामी कोड़ी है, ये दूध देख रहा 20-20 किलो के, तेरे मुंह पे रख देना, एकदम घुट जाएगा। भाड़ू तेरी बहन की गोली काटूं, 20-20 किलो के थन की धमकी दे रही है, हैं नचोड़ के पी जाऊंगा। हरामी कोड़ी है, मेरी बेइज्जती कर रही है, पंचायत बिठाऊंगी देगा। बहन की गोली मुझे घुमा रही है, पंचायत करेगी इस बात का फैसला। अरे कौन सी डंडी मार रही है मेरे आदमी? आई बोले बहन की लोड़ी मेरे कालू को मार रही है। सुपरी क्या है डंडी? अपने आप को देख ले, पूरे गांव में अरे गरे कर जाती रहे, तो पूरे गांव के आदमी खोखले खा गई। तो ये दोनों छिनाले साली डंडी हो रही है, इनकी चूतों में ज्यादा आग हो रही है, बहुत बड़ी वालियों को इन्हें लंड खिलाई जा। अरे छिनाल, अपने आप को देख, अपनी लल्ली को देख। लव भोसड़ी क्या दिख रही? दिखा, मैंने तेरी लल्ली एक हफ्ते पहले जमील के साथ पकड़ी सपीक के खेत में। काला बिल्कुल सही कह रही है, मैंने भी देखा इसकी लल्ली को राजद की ईख में। ले रंडी। हाँ चल भोसड़ी, आज ही अपने आदमी सऊदी से बुलाऊंगी, आज ही पंचायत बैठाऊंगी। हाँ हाँ रंडी चल, तेरी टांग पर टांग रख के रूमी पंचायत में आ। अब कुछ बोलोगे भी? एक दूसरे का मुंह देखते रहोगे? भाई सरपंच जी, इसका मुंह कौन देख रहा है? दूध देख रहा है। सरपंच जी ये रंडी क्या बताएगी, मैं ही बताती हूँ, इसने मेरे आदमी को मार लिया। भोसड़ी आदमी बता रही है, इसे मीला है। बहन की लोड़ी मीला बता रही है, तलम्बा रखते ही सांस बुला दूंगा। चुप सुत्री को, अब बात बताओ, बात क्या है? अबे बता हमें क्या लंड दिए सरपंच जी, भाभी बता तो रही है। बस तू तो साले बोली मत ना, यही पंचायत के सामने तेरी गांड मार लूंगा। बस सरपंच भाड़ो अपनी अपनी रोने जा, हमारी तो सुन ले। बहन की भोसड़ी, तेरी तो सुन रहा हूँ मैं, और किसकी सुन रहा हूँ? सुना सरपंच जी, मैं बताऊँ बात क्या है, मैं जा रही भज्जो के यहाँ दूध लेने। अच्छा वो भज्जो जो चार बार बात गई? हाँ वही भज्जो। सरपंच जी मैं जा रही थी उसके घर से दूध लेने, तो ये मीरा मिया रास्ते में मिला, मिस्से बोला तो दूध ले, क्या करेगी, अपने दूधों में निकाल ले। बताओ उसकी कोई बात है? ऐसे तो मोटे हो गए हैं, इनमें दूध थोड़ा ही है, बताओ। हाँ तो गांव वालों बताओ, मैंने कौन सी गलत कह दी? हाँ गांव वालों बताओ, मेरे खालू ने क्या गलत कहा है? हाँ हाँ मीरा सही कह रहा है। सुन ले सरपंच भाड़ू, तेरी सरपंच भांग भोसड़ी मिला दूंगी, और तुम भी सुन लो गांव वालों, कपड़े फाड़ कर थाने पहुंच जाऊंगी, छत्तर लगा दूंगी सब पे। भाड़ू खाला खालू, छत्तर पर बात आ रही है, गांव वालों खालू गलत है, खालू गलत है। कौन भोसड़ी कह रहा है? मिला सही है, मिला गलत है, मिला गलत है, मिला गलत है, मिला गलत है। सरपंच जी जब मिला गलत है तो बताओ क्या करना है फिर? तो गांव वालों पंचायत इस फैसले पे पहुंची है, मिले तुझे 120 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा भैया। सरपंच जी 120 रुपए थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, थोड़े कम कर लो। तो मिले एक काम कर, 60 रुपए आप दे दे और 60 रुपए उधार कर दिए, ठीक है? यार दानिश हमारे भैया की साली हमें तो हाथ भी ना रखने देती, बड़ा दिमाग खराब। हमारा तो काम सही चल गया भैया, भाभी को यह बड़ा बच्चा, तो भैया की साली आई बड़ी घर, भाई सब चल जाए रोज काम पे, रोज दुखी पीट रहे, रोज मौज आ रही है। मजे तो मेरे भी आ रहे हैं, मगर यार एक दिक्कत है, वो जो है ना हमारे भैया की छोटी वाली साली चश्मी मियाँ खलीफा, साली का बैकग्राउंड ये है, ये मन तो करता है भोसड़ी चौधरी की दुखी पीट दूँ, मगर बहन की लोड़ी में नखरे बहुत है, फिर भी हमारे भैया के बीच वाली साली सही काम चला रही है। चल फिर भी चल, तो दोनों काम एरिया है। एक बार प्लीज देखिए गोली बंद कर, प्लीज ये जरा अरे चल लिटके देते, लिटके मजा ना आता, पहली बात तो ये है, देखी कैसे ना तू आज तक पांव घुटने सहरे बुला दिए तूने, तेरी माँ की। चल मादर चोद कर रहा हेल्ला मर गई अंकल जी, वो खेल ले हम घोड़ा घोड़ी। हट बासुड़ी के अंकल, दिखाई दे रही हूँ मैं। बे तुम जानते हो किस कलों ने सारा मेरा बाप गांड में चिलम डाल दिया, उसने कैचरी निकाल दिया। तू बाहर को बाहर मत ही किस कलों ना, तू भी आ जा रही चिनाल। अब बता तू साले किसका लौंडा? बहन का लौंडा, सरपंच का लौंडा हूँ मैं। ओहो तो तू सरपंच का लौंडा, तो तू एक काम कर, एक एक मीठे का डिब्बा और 151 रुपए रख के दे उस पे। ले ये हमने मीठे का डिब्बा निकाल लो, दोनों लिपट जाओ लो।
मेरे पास ना पैसे उसे और तू बहुत लड़के से क्यों पकड़ ला मेरे सेटिंग को सेम अच्छू आई बे हार दूँ छाटू तेरे पास पैसे ना है और लोंडियों को एक में घोले बनाए फिर रिया चल इस बात का फैसला पंचायत में होगा। तो देखो गांव वालों ये हैं दो बदतमीज जो हमने जबर सिंह की ईख में पकड़े हैं। इन्होंने अपने गांव की इज्जत मट्टी में मिला दी। अब तुम दोनों कम से कम बात को बताओ बात क्या हो गई। सरपंच जी ये बात तो अपने बेटे से पूछो। बोल बेटा बोल कमरुद्दीन बेटा बोल। अबे बोल सरपंच जी ये क्या लंड बताएगा हम बताएंगे। हम दोनों ईख पर बैठ कर खा रहे है गन्ना ईख में सुना आई आ आ बेटे बेटे। सरपंच जी वैसे बात बताने के तो ना है फ्री में बता ही देता हूँ। यू तो पहन की बनी पड़ी घोड़ी अरे यू पहन कर चढ़ पड़ा इसके ऊपर बताओ इसमें गांव की बेइज्जती है ना है। वो झाटू जरा तमीज से अपने बीज है सरपंच के फलान पर पूरी बात तो सुन ले। हमें पता है किस चीज का लालच दे रिया। हाँ बता किस चीज का। एक एक मीठे का डिब्बा और 151 रुपए रख के दे रिया। वो तो हम तुम्हारी इज्जत करना है ना तो बात वही खत्म कर देते। अरे मेरे कद्दू इज्जत करो पूरे गाँव में तो रायता फैला दिया तुमने भोसड़ी को। और तू हाँ कमरुद्दीन भोसड़ी का वहाँ क्या फलान लेने गया। अरे अब्बा फलान लेने ना गया देने गया मगर ये भोसड़ी मानी गई इतने लन टपक गए। अबे चुप भोसड़ी के। अब वो सरपंच का फलान घर की बात है घर निपटाइए। और गांव वालों करना क्या होगा इनका बताओ। अब हम क्या कद्दू करेंगे जो भी करेगा सरपंच का फलान करेगा। चुप मिले तू तो बोली मत ना तुझसे आज तक हुआ क्या है ये गुलाब तक की तो हुई ना तुझसे। तो गाँव वालों यार घर का ही मामला हल्का हाथ रखते हैं 50 रुपए में केस रफादा पकड़ते हैं। साहिल दानिश लो 50 रुपए 25-25 कर लियो ठीक है। ये मेरा कद्दू निपटा लो 50 रुपए में केस मेरा 120 रुपए में निपटा तो इसका भी लंडरुद्दीन का 120 में निपटेगा। अब वो मिले कमरुद्दीन नाम है इसका लंडरुद्दीन नाम है इसका। अरे चलो जो भी है वह सरपंच जी मिला सही कह रहे आप तो 120 में ही निपटेगा केस। ठीक है मिले कहाँ से बोल रहे मिले तेरी इज्जत कर रहा हूँ जो 120 में केस निपटा रही हूँ। जीत होती ना तो 50 रुपए में निपटा था। लो भाई लो 120 रुपए। खेत पे जा रही हूँ आजकल खेत पे ये वाला काम ज्यादा हो रहा है। शाम को जल्दी आ जाना सब्जी भी आएगी। ठीक आ जाऊंगा। तेरी साधु को 8-9 साल हो गए अभी तक तेरी कोई औलाद ना हुई तेरे आदमी के हथियार में जान है ना। अरे चाची जान तो बहुत है मैं क्या बताऊँ मेरे नसीब में कोई औलाद ही ना है। अरे लल्ली किसी डॉक्टर को दिखा ले कब तक बिगैर औलाद के रहेगी तू। अरे चाची क्या बताऊँ ऐसा कोई सा डॉक्टर ना आए एरिया में जिसे मैंने चेक ना कराई हो। हाय दया क्या चेक कराया है तू। अरे मतलब चेकअप ना कराया हो। अरे मेरी नजरों में एक डॉक्टर हैगा जिसका नाम है डॉक्टर फिरोज इतना बड़ा और इतना मोटा इंजेक्शन है उसका एक इंजेक्शन में धड़ाधड़ वाला करेगा। अरे चाची चली तो जाऊँ मैं पर वो रहता कहाँ है। अरे वो खजाने में रहा खजाने में। ठीक है चाची फिर मैं कल जाती हूँ। चल ठीक है चले जाइए। ठीक है सुअर फिर भी खा गया मरी गली सुअर अभी बताती हूँ देख तुझे तेरे समझ में ना आती है मौत भी खा गया यहाँ को बहन की बोली शेर सिंह का हाथ उठा दिया ले शेर सिंह सुअर अभी रुक जा अभी रुक सुअर तो ऐसे ना मांगेगा धोखे सुअर भाड़ो रोज मौत पी पी का यहाँ को आ जावे है तुझे ना आज बताऊ मैं रुक जा सुअर आज तू सुअर धोखे खानिया बहन की बोली चार दिन अकेले देख कर मार रही है तू अकेली आया चल अकेली लड़ रहे सुवर मौत पी का अगर मैं तुझे चार दिखाई दे रही हूँ यहाँ को लेट जा सुवर यही पड़ा रही है जब लोग मैं ना आऊँ जंगली
लीजिए दवाई, सुबह शाम पीनी है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा दो दिन में सही सलामत हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलूं। ठीक है जय। तुम ही हो क्या डॉक्टर फिरोज? हाँ मैं ही हूँ, बताइए क्या परेशानी है? मुझे फतेहपुर वाली चाची ने भेजा, वो कह रही है तुम एक इंजेक्शन में धड़ धड़ बच्चे करते हो। बिल्कुल ही सही जगह आई हो आप, मैं करता हूँ एक इंजेक्शन में बच्चे, लेकिन कभी कभी दो लगाने पड़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन जल्दी लगाओ, मुझे बेचैनी हो रही है। इतनी बेचैन मत हो, करूँगा एक इंजेक्शन में धड़ाधड़ बच्चे ही करूँगा, पूरे मोहल्ले के परेशान हो जाएंगे खिलाते खिलाते। तो डॉक्टर साहब जल्दी से लगाओ इंजेक्शन। चलो तो चलो अंदर, चलो इंजेक्शन लगाते हैं। ये क्या कर रहा हूँ? अरे यही तो इंजेक्शन है, इससे ही तो होते हैं धड़ाधड़ बच्चे पैदा। चलो तो करो फिर। ये बहन कोड़ी क्या करवा रही है? हाँ, ले सुवर भी आ गया। अरे भागो। हेलो गाइस, गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट अच्छा लगा आपको, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर कर दो यार, कर दो सभी दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो।